राजस्थान के कोटा में नए शंभूपुरा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कायावत तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने भूमि का अवलोकन किया। वही इस अवलोकन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अब एयरपोर्ट निर्माण की सारी परेशानी दूर हो गई है। वन विभाग की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, उनके खाते में 127 करोड़ रुपए जमा करवा दिए गए हैं। साथ ही हाई टेंशन लाइन को हटाने का कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। वही एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली के अधिकारी एवनेश व लंबोदर ने कहा कि जैसे ही जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी नाम होगी कार्य शुरू हो जाएगा। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली आम सभा में भी कहा था, मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री से कई बार इस विषय की चर्चा की थी। इसकी जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो इलाका था वो 406 हेक्टर में से केवल 33% के अलावा बाकी फॉरेस्ट इलाका था। वन विभाग इलाका होने के कारण बहुत दिक्कत थी, लेकिन वो वन विभाग का डायवर्जन हो चुका है। उसके पैसे जमा कराने की प्रक्रिया में देरी हुई थी, केवल 127 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना था, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर राज्य सरकार को भार रहित जमीन देना ये प्रक्रिया भी है और अभी तक परंपरा भी रही है कि सभी राज्यों ने भार रहित जमीन राज्य ही उपलब्ध कराता है, क्योंकि राज्य ही जमीन का मालिक होता है। 127 करोड़ में से केवल 21 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास ने जमा कराए थे, जिसने कई स्मरण पत्र लिखे, कई बार पत्राचार हुआ, लेकिन पैसे जमा कराए। जैसे ही राज्य में भाजपा की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की भजन लाल जी से, और उन्होंने 22 दिसंबर को बाकी पैसा जमा करा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर हाई टेंशन लाइन जारी है, जो आपने देखी होगी। ये हाई टेंशन लाइन ही एक बड़ी कठिनाई थी, उसके लिए भी आज एमओयू हो चुका है और उसके शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। डीपीआर का काम साथ साथ चल रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों का कहना है कि देश में इससे बढ़िया कोई लैंड नहीं है। हाईवे है, लैंड की मिट्टी बेहतर है, आसपास कोई पहाड़ी नहीं है। आने वाले भविष्य में ये एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होगा, जो कोटा, बूंदी और हाईवे के कारण अन्य सभी सेक्टरों को जोड़ेगा। कोटा से इसकी दूरी 15-17 किलोमीटर है, बूंदी से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है,